हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम एलोवेरा आइस क्यूब्स बनाएंगे। ये आइस क्यूब्स हमारे पोर्स को टाइटन कर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल बनाती हैं। ये हमारे एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन और सनटैन की प्रॉब्लम को दूर करती है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल बनाती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आइए इन 100% इफेक्टिव एलोवेरा आइस क्यूब्स को बनाना शुरू करते हैं। एलोवेरा आइस क्यूब्स बनाने के लिए मैंने ये एक फ्रेश एलोवेरा लीफ ले ली है। तो सबसे पहले हम इसकी स्किन को पील करके इसके जेल को अलग निकाल लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा लीफ नहीं है तो आप इसकी जगह मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल की हमारी स्किन पर ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप भी फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल को अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये एलोवेरा जेल के पीसेस डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसे ग्राइंड करके इसका स्मूथ जेल बना लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमें किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करती है और साथ ही हमारी साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करती है। प्लस इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमारे रैशेज और सनबर्न की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पोर्स में से एक्सेस ऑयल को क्लीन करती है, जिससे कि हमारे एक्ने, पिंपल्स और यहाँ तक कि सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो बस अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा एलोवेरा जेल का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक आइसिंग ट्रे ले लेंगे और इसमें इस मिक्सचर को पोर करेंगे। तो ये मैंने मिक्सचर को आइस ट्रे में पोर कर लिया है। तो अब हम इसे 7-8 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीजर में रख देंगे ताकि हमारी आइस क्यूब्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये 7-8 घंटे हो चुके हैं। मैंने आइस ट्रे को फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी आइस क्यूब्स भी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। इन्हें अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद एक आइस क्यूब लें और इसे अपने फेस पर जेंटली इस तरह अप्लाई करें। आप इस आइस क्यूब को अपने फेस पर डायरेक्टली अप्लाई करें या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे किसी कॉटन के कपड़े में रखकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप इन्हें अपने अंडर आई एरिया पे भी ज़रूर अप्लाई करें। यह आपकी आंखों को ठंडक देगी, आपके आई पफिनेस को रिड्यूस करेगी और साथ ही आपके डार्क सर्कल्स और आई रिंकल्स को भी दूर कर देगी। आप इन आइस क्यूब्स को दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप इसके 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें। और इसे 2 मिनट इस तरह मसाज करने के बाद आप अपने फेस को पानी से अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील करेगी और साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यूथफुल, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप भी इन आइस क्यूब्स को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इनका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।